बोला। ये जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगे क्या है, किन मांगों को लेके ये चाइन चौक के ये पार्क के अंदर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करें। बोला ना मीनाक्षी गवाह, देखिए मांगे तो बहुत सारी है, लेकिन शॉर्ट पे हमारा ऐसा कहना है कि जो हम जितने भी आयुर्वेदिक पदवीधर है BAMS लोग हैं, तो हमारा हमारे सिलेबस के अनुसार जब हमने एडमिशन ली तब की कंडीशन के अनुसार हम एक लिमिट तक एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं इमरजेंसीज में या जैसे जरूरत के हिसाब से। लेकिन अभी जो बिल आने वाला है NCISM बिल, तो उसमें जो प्राविधान है कि सभी लोग अपनी ही पैथी की प्रैक्टिस करेंगे, आयुर्वेद वाले ऑर्डर बिल्कुल नहीं दे सकेंगे, तो ये बहुत बड़ा अन्याय होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निवेदन देने के लिए हम आए हैं क्योंकि वो इमरजेंसीज में अप टू सर्टेन लिमिट हमको एलोपैथी प्रैक्टिस करने की परमिशन चाहिए, हमारे सिलेबस में वो इंक्लूडेड है, हम सीखे हैं, हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो इतने सारे दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोजी रोटी उस पर है, उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, हम जो ट्रीटमेंट देते हैं प्रोवाइड करते हैं वो गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। अगर हमारी परमिशन निकाल दी गई तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, उनकी फैसिलिटी भी कम हो जाएगी, वो भी प्रॉब्लम में आएंगे। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो नेशनल प्रोग्राम्स रन करते हैं, नेशनल प्रोग्राम्स में एलोपैथी ही ज़्यादा होती है, अगर वो परमिशन हमारी निकाल दी जाए तो इतने सारे इम्पोर्टेंट नेशनल प्रोग्राम्स जिसमें TB है, एड्स है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, लेप्रेसी है, इतने सारे इम्पोर्टेंट, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सारे प्रोग्राम ठप हो जाएंगे, कौन चलाएगा इसको? ये सभी ओर से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये तो सोचने के लिए बात ठीक है, सबने अपनी पैथी की प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पूरा विचार हुआ नहीं है कि उसके आपने रिपीट्स क्या होंगे। अभी इतने सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छा, इतने सारे दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसे दिखा नहीं है कि उसकी वजह से किसी का नुकसान हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ हमारे लोग मेडिकल ऑफिसर करके, RMO करके 24 आवर्स रन करते हैं। अगर BAMS लोगों की परमिशन निकाल दी जाए तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी रन नहीं हो सकेंगे। मैम क्या नाम बताया आपने? मैं डॉक्टर मीनाक्षी गवाल, नागपुर में हूँ, गवर्नमेंट आयुर्वेद। मीनाक्षी जी, क्या यू नो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और ये होम्योपैथिक को अलग अलग विभागों में बांटने का काम कर रहे हैं? अलग अलग विभाग तो है ना, हम तो आयुर्वेदिक ही प्रैक्टिस करते हैं, सब लोग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स प्रैक्टिस करते हैं। जब भी इमरजेंसी में हम एलोपैथिक प्रैक्टिस, एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, वैसे तो हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथी वाले होम्योपैथी करते हैं, यूनानी और आयुर्वेदिक सेम है, उन लोग भी यूनानी ही करते हैं। लेकिन जैसे हम पंचकर्म करते हैं, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है तो उसमें हम हर पैथी की लिमिट्स रहती है, बस हम वही बताने आ रहे हैं यहाँ पे कि वी नीड ऑल पैथीज टू प्रैक्टिस लाइफ, अगर हमको टोटल रिलीफ देना है तो बस यही है, इसमें हम वही कन्वे करने आए मे भी। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी अगर बढ़ना चाहिए तो उसके लिए एलोपैथी की परमिशन साथ में चाहिए, तभी हम पंचकर्म वगैरह ऐसे जो रिस्की भी प्रोसीजर्स हैं वो सब हम कर सकेंगे। सिंपल बात है कि जैसे अगर मेरे पास लाइसेंस है, 4-व्हीलर का भी है, 2-व्हीलर का भी है, मैं चलाऊंगी 2-व्हीलर, मैं 4-व्हीलर नहीं लूँगी, लेकिन मुझे लाइसेंस चाहिए 4-व्हीलर का, अगर कभी काम आया तो मैं 4-व्हीलर चला सकूँ।